यशवंत छेत्री। हेलो 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 भाई, बढ़िया 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 एकदम। मेरा एक कल्चर एक दिखा हुआ है यहाँ में, अच्छा लगा देखकर। क्या नाम थे भाई को? पंकज छेत्री। पंकज छेत्री, ओके। लाइक लाइक शेयर के थैंक यू नेस्ट पाइन दिने हेर्न त तपाईहरु पनि आउनुस् र भाइको च्यानल लाई चाहिँ लक लाइक सब्स्क्राइब र ओके। YouTube चैनल जय सियाराम जय हनुमान। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए 5 बज चुका है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं। मैं और देव चाय पी रहा है वो, और हम लोग का जीजा जी जो अभी कॉन्सर्ट मतलब उनका जो परफॉर्म है ना, तो जल्दी जल्दी जाना होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। हम तो इस घर के इस बालकनी से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। काफ़ी बड़े बड़े मकान यहाँ पे, शॉपिंग मॉल बहुत कुछ बन रहे, देख सकते हैं। ये जगह में काफ़ी सुंदर लग रहा है यार, सनसेट हो रहा है ना, इसी वजह से पूरा ऑरेंज टाइप का हो रहा है। अच्छा, काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस। ये देखो कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा हूँ मैं, बहुत ही बड़ा मतलब। जीवन हाँस्ने रुने खेलो त्यसैले खेली राख्न साथी नङ्ग दुःख पनि आउने हो आँसुलाई सुस्त पानी कष्ट र परिश्रम। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना, हम लोग का गोरखा का असम में जो सबसे बड़ा एक फेस्टिवल हो रहा है इस 2023 में, खाना पारा गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा गोरखा फेस्टिवल, सेकंड गोरखा फेस्टिवल है। तो मैं इतना दूर से आया हूँ इसलिए कि मेरा कल्चर का फेस्टिवल है, और अपना कल्चर को हमेशा आगे बढ़ाना होता है। जैसे हम लोग का भैया लोग हो गया, बड़े बड़े लोग, दाई लोग, हम लोग का नेपाली में दाई बोलता है, आक्सू के तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ है ऑल असम गोरखा स्टूडेंट यूनियन। तो मैं भी अभी जा रहा हूँ। तो गाइस, मैं तो इतना बड़ा नहीं, मैं भी एक छोटा मोटा बच्चा ही हूँ, फिर भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मेरा अपना कल्चर है ना, इसीलिए मैं आया हुआ हूँ। तो इसी तरह से जैसे मैं इतना दूर से आया हूँ ना, हम लोग का नेपाली कल्चर में जितने भी हम लोग का नेपाली दाजू भाई लोग हैं, सब आगे हम लोग को एक साथ सपोर्ट करना है गोरखा को, और हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि हम लोग हर मतलब जैसे हम लोग का आसाम में बहुत ट्राइब के लोग रहते हैं ना, सभी को जान मतलब मालूम होना पड़ेगा कि हम गोरखा कैसा है, कैसे हम लोग कल्चर कैसा है, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, हर चीज़ गोरखा फेस्टिवल के जो अभी मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ में सब कुछ दिखाया जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वैसे मतलब एक बात ये है कि अपना कल्चर को हमेशा बचा के रखना चाहिए, बस वही। जय आया हम, जय गोरखा। तो गाइस, हम लोग का नेपाली गोरखा का आन बान शान मतलब कुकुरी देख सकते हैं आप लोग, इतना सुंदर से यहाँ पे डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे कुकुरी और नॉर्थ ईस्ट गोरखा फेस्टिवल बोल के आगे भी गाइस, नेपाली कल्चर का हम लोग का पोते बोलता है, पोते चूरा गाइस। तो गाइस, हम लोग ये देखने के लिए, हम लोग का नेपाली में पिंगे पिंग कहते हैं, ट्रेडिशनल जो पहले पहले बहुत बनाया जाता था, लेकिन आजकल इतना नहीं हो रहा है सब। बस ये कल्चर एक दिखा हुआ है यहाँ में, अच्छा लगा देखकर। हजुर।
इतना धूप से आया फायदा तो देख सकते हैं कुछ पार्किंग का जगह यहाँ में है, हम लोगों ने कार यहाँ पे पार्किंग किया। और हम लोग आसाम का जो लक्ष्मण क्षेत्रीय फेमस यूट्यूब मतलब सिंगर है ना, उनका बहुत बड़े फैन है वो लक्ष्मण क्षेत्रीय। हेलो 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 भाई, बढ़िया 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 एकदम, मेरा मतलब बहुत बड़ा फैन है, हम उनका गान सुनता है मतलब घर पे हो या शादी पे हम लगाते है जाके। लक्ष्मण भाई क्या नाम है भाई को? पंकज क्षेत्रीय। पंकज क्षेत्रीय ओके, सब्सक्राइब लाइक शेयर ओके, थैंक यू लक्ष्मण भाई। तो गाइस अभी हम लोग आगे जाएंगे, काफी अच्छे फैन थे मैं लक्ष्मण क्षेत्री, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं लक्ष्मण क्षेत्री बोलते हैं, काफी सुंदर सुंदर बोडो नेपाली आसामीज हिंदी सब गान मिक्स करके वो गाते हैं, मेरी भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है आप लोग भी जाके चेक करो। अच्छा मेरे भैया लोग मिल रहे हैं यहाँ में, हम लोग विजय देवजी भैया, हेलो नमस्ते। आप लोग अगर पहचानते थे गोरखा का, आप लोग देख रहे हो ना, आप सुने गए थे नेपाल का क्या था वॉइस क्या था? हाँ हाँ वॉइस में गए थे और बहुत अच्छे भी गाते हैं, अभी भैया का भी परफॉर्म है अभी देख रहा हूँ भैया। इस यहाँ नोटिस गोरखा फेस्टिवल में ये सेकंड टाइम हो रहा, मेरे को ही लिखा है इसको हफ्ता मैं क्या रे यो क्या रे आयोजन आयोजन गोरखा मल नि मल दे अरु तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ, कुकु आउनु छ सब, तपाईहरु पनि आउनु ब्लग कहिले भोलि हुन्छ, भोलि सबैले हेर्छ घरदेखि हेर्ने मान्छे आउनुहोस् यहाँ, नेक्स्ट टाइम यस्तो पाइँदैन हेर्न, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् र भाइको च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब र के अरे शेयर कर दूँ वीडियो ले लो, थैंक यू सो मच। गाइस अभी हम लोग का जिया जी का परफॉर्म होने वाला है यहाँ पे, हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है तो अभी मैं जाके उनका मैं वीडियो करूँगा शूट करूँगा। तो अभी तक जो भी पार्टिसिपेंट किया है हम लोग के लिए, हम लोग के लिए आप लोग ने वीडियो देखा हो कितना मतलब स्वैग वाला रैप था, बढ़िया लगा। आप लोगों को भी अगर कॉन्टेक्ट करना है, आप लोगों को भी किसी फेस्टिवल में बुलाना है तो पंकज का नंबर होगा, पंकज से आप लोग NPU@SS अगर डालेंगे तो आप इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। तो अभी थोड़े हम लोग बाहर जा रहे थे, काफ़ी हम लोग ने परफॉर्म देख लिया, काफ़ी काफ़ी एक्ट्रेस से मिला है, आर्टिस्ट से मिला, विजय दर्जी लक्ष्मण क्षेत्री निकल चुके हैं वहाँ से गोरखा फेस्टिवल से, काफ़ी टाइम भी हो चुका है और हम जो मेन रीजन था विजय जी का देखना, अभी विजय जी का रेट्रो टाउन बाहर में भी जा रहे थे।
तो गाइस मेरा बार नहीं है, मेरा जीजा जी का बार है। अच्छा सॉरी, जीजा जी का बार है। अच्छा अच्छा हाँ, उनका जीजा जी का बार है। नहीं इसका जीजा जी है लेकिन मेरा जीजा जी दूसरा। हाँ अच्छा अच्छा, तुम दूसरा का जीजा जी है, तुम्हारा जीजा जी दूसरा है। अभी जो मैंने बोला था एट्रो टाउन, यहाँ पे जो बार है यहाँ पे आके हम लोग खा रहे हैं। दीदी लोग भी है, दीदी दीदी और जीजा जी यहाँ पे जस्ट चिल कर रहे हैं हम लोग। बहुत क्योंकि अच्छा है गाइस, अगर आप लोग आना चाहते हो, अगर गुवाहाटी जरूर आएगा ना, प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आके एक बार तो गाइस बनता है अंदर कुछ के बहुत ही काफ़ी बढ़िया है, हर चीज़ का वाइब मिलेगा। डीजे वही है, खाना भी अच्छा है गाइस, जरूर आना चाहिए, बहुत बढ़िया गाइस। हम लोग अभी चिल कर रहे हैं ठीक है, हम लोग का जीजा जी। One hour later. हम लोग रूम पहुंच गए और काफी नींद लग रहा है, हालत देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग इतना ही था। फेस्टिवल में गया जीजा जी का, जीजा जी का रेट्रो टाउन जो मैंने दिखाया था बाहर, वो भी इंजॉय कर लिया थोड़ा बहुत। अच्छा लगा आज का जो दिन था ना, वो दिन रात दोनों मिलाकर अच्छा लगा। ये पार्ट टू हो रहा है, जो आज का ही ब्लॉग मैंने दो पार्ट किया था ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं ब्लॉग पे, कल सुबह मिलते हैं।